हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट 100 पढ़ेगा इंडिया। कल जब से क्लास 12th के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, उसके बाद से ही बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, हमारे मार्क्स कम आए हैं, उसके क्या ऑप्शंस हैं। तो मैं कुछ बच्चों के जो मेरे पास अभी डाउट्स आए हैं, उस डाउट्स को लेके आया हूँ कि ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन है और क्या क्या चीजें आप लोग कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबल है, उनके लिए मैं आप ये वीडियो लेके आया हूँ उन सभी बच्चों के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि हमारा एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन कब होगा। तो पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि हमारा री एग्जामिनेशन कब होने वाला है। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले री एग्जामिनेशन की बात करते हैं। री एग्जामिनेशन सीबीएसई ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है। देखिए, दो चीजें मैं बात करूंगा, एक बात करूंगा क्या ऑफिशियल हुआ है और एक बात मैं ये करूंगा ये नहीं हुआ है लेकिन इसके चांसेस क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बहुत बच्चों के मन में था कि सर हमारे एग्जाम कब होंगे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम कब होंगे, तो उनके लिए सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रखी है कि आपके जो एग्जाम है वो 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच में होंगे। तो ये जो विंडो पीरियड है एक महीने का, 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में एक और क्वेश्चन है ये कि सर हमारा रिजल्ट कब अनाउंस होगा। देखिए, सीबीएसई की तरफ से रिजल्ट अनाउंसमेंट के बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। तो अगर जल्द से जल्द बात करते हैं, मिनिमम अगर दिन की भी बात करें तो 15 दिन में तो सीबीएसई को रिजल्ट डिक्लेयर करने में लगेंगे। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आपके रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो अगली बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि हमारे एग्जाम कैसे होंगे, ऑनलाइन एग्जाम होंगे या ऑफलाइन एग्जाम होंगे। ऐसा बच्चों के मन में क्यों आ रहा है, इसका भी एक रीजन है कि इस साल के बच्चों का जो टर्म वन एग्जामिनेशन या टर्म टू एग्जामिनेशन है, तो सीबीएसई ने यह कहा है कि टर्म वन अगर ज्यादा कोविड के केसेस हैं तो टर्म वन एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन होगा और अगर टर्म टू है वो भी आपका ऑनलाइन होगा अगर कोविड के केसेस ज्यादा हैं तो। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात ये भी है कि हमारे एग्जाम ऑनलाइन ही होने चाहिए। देखिए बच्चे, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि अभी तक ऑनलाइन एग्जाम होने के कोई भी चांसेस नहीं है। आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 100% ऑफलाइन होने वाला है, ये सीबीएसई की तरफ से कंफर्मेशन है। अब आगे बात करते हैं कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। जैसा पैटर्न आप लोगों का सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू किया था, चाहे मैथमेटिक्स की बात करते हैं, चाहे फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, अकाउंटेंसी की बात करें, जो लास्ट ईयर का सीबीएसई सैंपल पेपर था उसी पैटर्न पे आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन ये है कि हमारे जेईई के लिए 75% होने चाहिए, जेई के लिए 75% होने चाहिए, हमारे 74.6 हैं या 74.8 हैं, तो क्या हम एग्जाम में अपियर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो बच्चे एक बात क्लियर कर देता हूं, लास्ट ईयर जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल जी, उनका स्टेटमेंट था कि लास्ट ईयर तक के बच्चों का जो 75% क्राइटेरिया है वो नहीं रहेगा उन बच्चों के लिए जो लास्ट ईयर फाइनल में अपियर हुए थे, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2019-20। इस साल 2020-21 के लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं आई है, लेकिन ऐसे उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि लास्ट ईयर अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारे कहा था कि ऐसा होगा तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात है कि ऐसा हो सकता है। फिर मैं क्लियर कर देता हूं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस बारे में नहीं है लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात यह है कि सर जो एग्जाम है अगर हम फाइनल एग्जाम देते हैं हमारे मार्क्स वहां कम आ जाते हैं तब क्या होगा। देखिए बच्चे, अगर आपके मार्क्स कम हो या ज्यादा हो, जो आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, जो री एग्जामिनेशन सीबीएसई ने कहा है जो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में होने वाला है, उस एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हैं तो आपके वही मार्क्स काउंट होंगे जो आप लोगों ने दिया है। लास्ट आपके 100 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अब कितने आए हैं उससे फर्क पड़ेगा, वो मार्क्स काउंट होंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट और है कि क्या हमारे 10th 11th के मार्क्स भी काउंट होंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो बच्चे फाइनल एग्जामिनेशन देंगे अगस्त सितंबर में, उन बच्चों का 10th में क्या मार्क्स था, 11th में क्या मार्क्स था, 12th प्री बोर्ड में क्या मार्क्स था, उससे कोई भी रिलेशन नहीं है। आप लोगों के फाइनल मार्क्स वही लगेंगे जो आप लोगों के 12th में फाइनल एग्जाम के बोर्ड में आए हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि क्या सर
हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स चेंज हो सकते हैं? बेटा प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं चेंज हो सकते, सीधी सी बात है। प्रैक्टिकल के मार्क्स वही रहेंगे जो स्कूल ने आप लोगों को बना के भेज दिया है, वही चेंज रहेंगे प्रैक्टिकल के मार्क्स। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात और भी है, क्या हमारा रीइवैल्यूएशन करवा सकते हैं? बेटा अभी तक आज 31 जुलाई, टाइम हो रहा है बेटा 7:45, अभी तक सीबीएसई की तरफ से रीइवैल्यूएशन रीचेकिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं है सेशन 2020-21 के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस साल आप लोगों का अभी तक रीचेकिंग का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, अगर होगा भी कि नहीं होगा। तो ये जो मैं बता रहा हूं 2021 के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन के मन में ये, क्या हम एक सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, क्या हम दो का दे सकते हैं, क्या पांचों के दे सकते हैं? तो सबसे पहले बात तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप लोग मेन सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हैं, जिसमें फाइन आर्ट्स, म्यूजिक ये सब नहीं है, ये एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, ये सब आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम एक सब्जेक्ट में है, दो में है, तीन में है, पांच में है, इस बारे में सीबीएसई ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सीबीएसई ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि क्या हम एक सब्जेक्ट का दे या दो का दे या पांच का दे, क्या दे। लेकिन फिर एक बात बता रहा हूं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप बच्चों के अकॉर्डिंग सीबीएसई ये करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को पहले बहुत नुकसान हो चुका है, तो बच्चे को अकॉर्डिंग सीबीएसई एक दो तीन, बच्चे पांच में अपीयर होना चाहते हैं, अपीयर हो सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है। फिर कुछ बच्चों के मन में एक बात है कि हमारे कंपार्टमेंट आ गई है, तो हमारे क्या फाइनल के जो मार्कशीट आएगी कंपार्टमेंट के बाद, वो सेम रहेगी या अलग रहेगी? बेटा अगर आपके कंपार्टमेंट है तो आपको एक फाइनल जो मार्कशीट बनी है कंपार्टमेंट वाली, सपोज आपके मैथ्स में कंपार्टमेंट है, तो मैथमेटिक्स में अगर आपके 20 मार्क्स है तो 20 लगे हुए आ जाएंगे। जो आप लोगों का फिर से पेपर है मैथमेटिक्स का, उसकी अलग से मार्कशीट आएगी, तो वो मार्कशीट आप लोगों के अपने साथ ही रहेगी। फिर कुछ बच्चों के मन में एक बात आ रही है कि हमारे जो क्या कहते हैं, अगर फाइनल में हमारे नंबर कम आए, हमें पहले मार्कशीट इश्यू हो गया, वो ज्यादा हम वही दिखाएं, तो बेटा ऐसा नहीं है। मार्कशीट आपकी तभी इश्यू होगी जब आप लोगों का फाइनल एग्जाम हो जाएगा। तो ये सब कुछ डाउट्स थे बच्चों के मन में, जो बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर ऐसा है, सर मैं क्या करूं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में एक बात और भी है, सर हमारे 80% है, 90 के आसपास आने चाहिए थे, मैं जेई का प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं क्या करूं? बेटा अगर आप जेई का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरी आपसे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके सीबीएसई के 12th में कितने भी मार्क्स आए हैं, 75 से ऊपर आप लोगों के हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जेई की अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आप लोगों का आगे फ्यूचर रन में जेई के मार्क्स काउंट होंगे। आप लोगों के 75 है, 76 है, 85 है, 90 है, 95 है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर जेई में बेटा अगर 1000 रैंक भी ऊपर हो गया, तो आप सभी समझ सकते हैं आप लोगों के रैंक में कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा और कॉलेज आपका कौन सा अच्छा अलॉट हो जाएगा। तो ये फिलहाल हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस आए थे जो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को डाउट सारे क्लियर कर देता हूं। अगर आप लोगों के मन में और भी कोई प्रॉब्लम है, तो एक से दो दिन में मैं आप लोगों के साथ फिर लाइव आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जानबूझ के लास्ट के लिए रखा हुआ था, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई का जो री एग्जाम है, उसके फॉर्म कहां से मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? बेटा सीबीएसई की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों का जो ये फॉर्म होंगे, ये ऑनलाइन फॉर्म होंगे, इसका ऑफलाइन से कोई रिलेशन नहीं है। सीबीएसई ने पहले इस बारे में बोल दिया है कि आपका जो एग्जाम के जो फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन फॉर्म होंगे, लेकिन अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, कैसे फॉर्म फिल होगा इसका भी कुछ बारे में नहीं बोला गया है। क्योंकि इसका यही रीजन है कि सीबीएसई में कुछ 75,000 बच्चों का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। उन बच्चों का रिजल्ट 5 अगस्त के आसपास अनाउंस होने के चांसेस हैं, उसके बाद सीबीएसई ये लेके आएगा कि हमने विंडो ओपन कर दिया है री एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि सीबीएसई ने 15 अगस्त से पहले एग्जाम लेना है, तो सीबीएसई कम से कम 10 अगस्त तक इस विंडो को क्लोज करेगा, तभी एडमिट कार्ड बन के आएगा। तो ज्यादातर उम्मीद है 10 अगस्त तक आप लोगों के फॉर्म फिल भी हो जाएंगे, आप लोगों को पता भी चल जाएगा आप लोगों का सेंटर कहां पे है। सीबीएसई इस बारे में पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर एग्जाम 16 अगस्त से कंडक्ट करना है, तो सीबीएसई को 10 अगस्त तक सब कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें क्वेश्चन पेपर भी बनाना है। 10 अगस्त तक हमें विंडो के साथ हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा फॉर्म कहां पे मिल रहा है, सेकंड चीज हमारा सेंटर कहां अलॉट हुआ है। बहुत सारे बच्चों के मन में है कि होम सेंटर है, हम कोविड की वजह से सिटी या स्टेट चेंज कर चुके हैं, स्कूल सेंटर पड़ेगा। बेटा इस बारे में भी अभी कोई
ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है सीबीएसई की तरफ से, जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आती है हम लोग आपके साथ जरूर जुड़ेंगे और आप लोगों के जितने भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें जो भी हम आप लोगों को साथ शेयर कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थैंक यू, जय हिंद।